खबर है मिर्जापुर से। आज दिनांक 26 दिसंबर को जीडी बिनानी डिग्री कॉलेज के छात्रों द्वारा दो वर्षों से छात्रवृत्ति ना मिलने पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को पत्रक देते हुए बताया कि हम सभी छात्र छात्राओं को दो वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, जिसके संबंध में शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिला के सांसद एवं कॉलेज के प्राचार्य तथा काशी विद्यापीठ के कुलपति के पास अपनी समस्याओं को लेकर गए, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। छात्रों ने कहा कि हम सभी जगह जाकर अपनी बातों को रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो हम अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ से बीएचयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, हम लोग यहाँ पर सभी छात्र मिलकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग का विगत दो वर्षों से स्कॉलरशिप की जो समस्या है, निरंतर उस समस्या बनी ही है, उसका कोई समाधान हो ही नहीं रहा है। हम लोगों ने सांसद महोदया, कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री, अपने प्राचार्य महोदया, सीओ सिटी, हर आदमी के पास, अपने कुलपति महोदया के पास भी जा चुके हैं अपनी समस्या को लेकर, लेकिन हमारे समस्या का कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आज हम लोग वही डीएम मैम के पास अपनी समस्या को लेकर आए थे और उनको ज्ञापन दिया गया है कि अगर हम लोग के समस्या का समाधान नहीं होता है तो 29 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप पदयात्रा लेकर लखनऊ जाएंगे। यहाँ जीडी बिनानी पीजी कॉलेज भरूना से होते हुए वाराणसी तक पदयात्रा करेंगे। वहाँ पर जितने भी हमारे भाई बंधु मिलेंगे उनके साथ होते हुए वाराणसी विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होते हुए जाएंगे और लखनऊ मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप पदयात्रा लेकर हम लोग जाएंगे और हम लोग का स्कॉलरशिप का जो समस्या है उसको मुख्यमंत्री जी के सामने अपने रखेंगे।